दोस्तों, आपका ठाकुर ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग एक नई टेंपल की ओर जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। उसको देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं अभी, ये रांची का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से चुटिया राम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। Oh,
जाकर राम मंदिर आए हुए हैं, वहाँ के पंडित से जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। ये प्राचीन कुटिया राम मंदिर है, मंदिर का संबद्ध है, ईस्वी संबद्ध 1450 का है और विक्रम संबद्ध 1742 का। इस मंदिर में रघुनाथ सहदेव का बनाया हुआ है। नक्षता नागवंशी राजा का राजधानी पहले चुटिया था, बाद में छोटा नागपुर हुआ। और नागवंशी का राजा का राजधानी चुटिया है और इस चुटिया से में बहुत से एक महात्मा एक से एक महापुरुष लोग आए हुए हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी आए तो आए हुए थे और 500-700 वर्ष पहले, और यहाँ कीर्तन करते करते और एक रात के विश्राम किए थे और यहाँ से उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए थे। पदयात्रा से उस समय तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, उस समय आपका पदयात्रा ही था, तो पैदल में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ से प्रस्थान किए थे, एक रात्रि विश्राम किए। और उस समय घोर जंगल था, राजा का घर था एक जो यहाँ पर, और राजा को सपना हुआ कि महाप्रभु हम लोग हैं चैतन्य महाप्रभु, आपको यहाँ मंदिर का निर्माण करना है। तो उस राजा को सपना आया रघुनाथ सहदेव का, तब राजा रघुनाथ सहदेव ने मंदिर का निर्माण किया और इसका पूजा पाठ 1650 से शुरू हुआ है। अक्षय तृतीया का दिन सोमवार दिन था और उसी दिन से मंदिर का प्रतिष्ठा होकर के पूजा पाठ शुरू हुआ है। आज मंदिर का 400 वर्ष पूजा करते हो गया। यह राजा का प्राचीन ये कुंड रखा था, राजा लोग इसमें कुंड में स्नान करते थे और राधा कृष्ण भगवान का पूजा करते थे, और यहीं पर जब हम तप करते थे और यहाँ राधा कृष्ण भगवान की पूजा करके और यहाँ राजा लोग दान दक्षिणा करते थे यहीं पर। और यहाँ से जो है कि कुआँ का एगो इसमें सुरंग एगो गुफाएँ का लाभ है, पीछे यहाँ से बाहर निकला है और एगो स्वर्ण रेखा नदी तक ये गुफा का जो कि नीचे स्वर्ण रेखा नदी तो इसका कनेक्शन है। आधा किलोमीटर है वहाँ तक इसका सुरंग है। दोस्तों, आज हुआ कि एक और मंदिर का दर्शन करा दिया जाए आपको, और यह मंदिर पुंदाट के सेल सिटी में अवस्थित है।
आइए दोस्तों साईं मंदिर रांची के पुंदाट के पंडित जी से मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये मंदिर 2009 में स्थापित हुई है और 2-3 साल बनने में लगा है। और वैसे तो हम यहाँ पे 2013 से हैं और जब से हम यहाँ पे हैं तब से देखने को मिला है बाबा के चमत्कार, भक्तों का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और गुरुवार के दिन भंडारा होता है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।